Hello my dear students, today we are going to understand our poem Aunt Jennifer's Tigers, and this poem is written by Adrienne Rich. And here is this wonderful lady Adrienne Rich, and see it. Okay, let us first know something about our poet Adrienne Rich. She was born in 1929 and she is an American writer, American poet, and she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. ये बेटे बहुत widely known है किसके लिए, क्योंकि she was seriously involved in, ये बहुत seriously involved थे किसमें, contemporary यानी कि इनकी जो time period था उसमें जो women movements चले हुए थे, women's movement फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, या फिर फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट थे, थर्ड वेव फेमिनिस्ट, इस तरीके से फेमिनिज्म की वेव्स चली हुई थी बेटे यूएस में खास तौर पे. तो वहाँ इनका जो रोल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, एज अ पोइट भी और एज अ थियोरिस्ट भी. और मोस्टली जो है इनकी राइटिंग्स जो हैं गाइस वो नॉन फिक्शन राइटिंग्स, मीन्स ये रियलिस्टिक राइटिंग्स लिखती हैं, ये फिक्शन राइटर नहीं है. और इनकी राइटिंग्स जो हैं ऑलमोस्ट रियलिस्टिक होती हैं. सी हियर, शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. बेसिकली पोइट हैं तो 19 वॉल्यूम्स इनकी पोइट्री की पब्लिश हो चुकी हैं, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेस एंड अदर राइटिंग्स ऑल्सो, अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोस थ्रू हर वर्क. तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से रेसिज्म पे ये लगाना चाहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली अपोज करती हैं रेसिज्म को और मिलिट्रिज्म को भी, और ये इनके थ्रू आउट राइटिंग्स में, इनके वर्क्स में इको करता है. और दिस पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर विच इज इंक्लूड इन इट आर सिलेबस ऑल्सो एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ इस पोइम में बेटे वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो एक मैरिड लाइफ में वुमेन एक्सपीरियंस करती है, तो उस चीज़ को एड्रेस किया है यहाँ पे राइट पॉइंट ने. ओके, हियर आर टू क्वेश्चंस. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू गाइस? वी विल रीड दिस पोइम एंड आई विल आस्क दीज टू क्वेश्चन from you later on in our online class. So the first question is, what is the title of the poem suggest to you? बेटे ये title क्या suggest करता है आपको poem का? And are you reminded of other poems on tigers? Or are you able to recall other poems on tigers? You must have read some poems in your 10th class also and in your previous classes also related to tigers. Then you have to recall all those poems and we will discuss these two questions in our online session. Well guys, here our poem begins. Yes, one more thing beta, poetry ka apna meaning hota hai. Reader response theory says that as many readers are there, that many explanations or interpretations are there. जितने रीडर्स होते हैं बच्चों उतनी ही इंटरप्रिटेशंस निकल के आती हैं, उतनी ही एक्सप्लेनेशंस निकल के आती हैं पोइट्री की. तो आप बच्चों का माइंड जो है वो ब्राइट माइंड है, आप बच्चे कुछ न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सप्लेन हम टीचर्स करें पोएम को वही सेम आपको समझ आए, हो सकता है कुछ नई चीज़ आप खोज निकालें, ढूंढ लें. तो हम वो सारी चीज़ें अपनी लेटर ऑन ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. वेल, हियर आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम फॉर यू. आंट जेनिफर्स टाइगर स्प्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. दे बेस इन स्लीक शिवालरिक सैटर्निटी. यदि बेटे सुपरफिशियली हम मीनिंग देखें स्टैंजा का, पोएम के आपके टू मीनिंग्स होते हैं. एक होता है आपका सरफेस लेवल का मीनिंग, जो आपके वर्ड्स कन्वे करते हैं वो समझ आता है आपको. एक होता है आपका इम्प्लाइड मीनिंग, जो आपकी पोएम के अंदर हिडन मीनिंग होता है. तो दोनों मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे. आंट जेनिफर्स टाइगर, हियर इज़ अ लेडी
whose name is Aunt Jennifer, and she has tigers. Unke tigers hai. What they tigers are doing? They are prancing. Prancing means jumping. Where they are jumping? They are jumping across a screen. A screen here can be a wall hanging curtains. कर्टेन हो सकता है बेटे, आपका पर्दा हो सकता है या फिर कोई वॉल हैंगिंग हो सकती है. अब देखिए, यदि प्रांस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो फिर दीज टाइगर्स आर नॉट रियल वंस. ये रियल टाइगर्स नहीं हैं. तो आंट जेनिफर ने एक स्क्रीन पे, एक कर्टन पे क्या किया है, इनको एम्ब्रॉयडर किया है, एम्ब्रॉयडरी की है इनकी. किससे की है बेटे? ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट, बहुत ही ब्राइट. ब्राइट मीन्स शाइनिंग. और टोपाज क्या होता है? ये आपके स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के, बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं. एंड डेनिजंस इनहैबिटेंट्स, यानी कि वहाँ के रहने वाले. कहाँ के रहने वाले? ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जिनकी दुनिया ग्रीन है. यानी कि जो एक कवर पे, जिस कर्टन के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर इन्होंने इन टाइगर्स को टोपाज से, स्टोन से ड्रॉ किया है, ब्राइट स्टोन से, तो वो बैकग्राउंड उसकी जो है वो कैसी है स्टूडेंट्स? ग्रीन है. दे डू नॉट फियर द मैन. और ये जो टाइगर्स हैं वो मैन से नहीं डरते. सी हियर कंट्रास्ट. मैन डरते हैं टाइगर्स से या टाइगर्स डरते हैं मैन से? और मैन कहाँ हैं? दे आर जस्ट स्टैंडिंग और सिटिंग बीनीथ द ट्री. एंड दे पेस, दे मीन्स टाइगर्स. टाइगर्स पेस मीन्स वॉक इन स्लीक. स्लीक मीन्स स्मूथ. शिवालरिक मीन्स गैलेंट मैनर. सर्टेनली, अनडाउटेडली, निश्चित तौर पर. देखिए, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जंप कर रहे हैं स्क्रीन पे. कैसे बनाए? शाइनिंग टोपाज. और कहाँ के? ग्रीन वर्ल्ड के डेनिजंस हैं, यानी कि वहाँ के रहने वाले हैं. लेकिन द मैन हु आर बीनीथ ट्रीज, उनसे क्या नहीं करते, ये फियरफुल नहीं है. दे पेस, वो वॉक करते हैं कैसे? स्लीक, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एक हीरोइक, बहुत ही ब्रेवरी, जैसे ब्रेव लोग चलते हैं इस तरीके से वो चलते हैं. दिस इज़ हाउ आर सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा. लेकिन यहाँ पे जो हिडन मीनिंग है बेटे, इम्प्लाइड मीनिंग है, वो क्या कहना चाह रही है पोएट? लेट अस डिस्कस दैट आल्सो. आंट जेनिफर्स टाइगर आर हियर सिंबॉलिक ऑफ आंट जेनिफर हरसेल्फ. ये खुद आंट जेनिफर के सिंबॉलिक हैं. और आंट जेनिफर हैज़ लीव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीटली डोमिनेंस अंडर हर हस्बैंड. इन्होंने अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंडर अपनी लाइफ को जिया है. Aunt Jennifer's always wanted to live a free life, full of freedom. ये free life जीना चाहती थी, जिसमें complete आज़ादी हो, जिसमें क्या हो, अब उड़ान भरने का मौका जो हो इनको मिलता, ऐसी life को चाहती थी. एक free, आज़ादी की ज़िंदगी चाहती थी. लेकिन ये हमेशा अपने husband के अंडर जो है वो इन्होंने life जो है जी. She lived a life full of responsibilities. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके शोल्डर पे रही. और शी हैज़ नो राइट टू स्पीक अप. कोई राइट नहीं था इनके पास बोलने का. तो क्या फिर जो अंदर की जो इनर फीलिंग्स थी, शी ट्राइड टू आउटपोर हियर इन दिस पोएम थ्रू टाइगर्स. टाइगर्स के थ्रू इन्होंने वो अपनी इनर फीलिंग्स को क्या किया है, आउटपोर किया है. आंट जेनिफर्स डजंट कंसर्न, डजंट फील हरसेल्फ नो लेस देन टाइगर्स. ये इंटरनली अपने आप को टाइगर से कम महसूस नहीं करती. ये अपने आप को उतना ही बोल्ड, उतनी ही शाइनिंग, उतनी ही अपनी लाइफ को ब्राइट महसूस करती है. लेकिन इंटरनली बेटे, और क्या इन्होंने क्या शो किया है? मैन आर स्टिल मैन. पोएम में यहाँ मैन जो है वो मैन है, यानी कि यहाँ हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है बेटा, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट USA इज नॉट अनटस्ट ऑफ इट. हर जगह थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है. जिस टाइम पीरियड की एड्रिन रिच बात कर रही है, हालांकि हम मॉडर्न एज में देखते हैं, इन दिस एज देयर इज वाइड ओपननेस. हियर वीमेन्स आर गेटिंग ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स, देयर इज नो डाउट. बट हियर एड्रिन रिच इज टॉकिंग अबाउट सेकेंड और थर्ड फेज.
मीन्स ये बात कर रही है 60s, 70s, 80s के दौर की। तो उस टाइम पे जो है विमेंस वर कंसिडर्ड क्वाइट सबमिसिवल, डोसाइल। उनको क्या किया जाता था, हाउस होल्ड ड्यूटीज जो हैं वो केवल असाइन की जाती थी, बहुत ही सबमिसिव उनको कंसिडर किया जाता था। और देवर ऑलवेज फियरफुल टू मैन, वो हमेशा आदमी से जो है फियरफुल रहती थी। देवर ऑलवेज कंसिडर सबॉर्डिनेट टू मैन, मैन के इक्वली उनको कभी नहीं समझा जाता था, वो सबॉर्डिनेट मानी जाती थी उनकी। तो यहाँ लेकिन इंटरनली विमेन जो हैं वो भी फ्लाइट लेना चाहती थी, वो भी आज़ादी का जीवन जीना चाहती थी। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर जो इंटरनल फीलिंग्स थी उनको यहाँ डाला है, किसके माध्यम से, यहाँ पर टाइगर्स के थ्रू बेटे। यस, तो यहाँ देखिए कि रियल लाइफ में आंट जेनिफर इज नॉट एज मच फरी एज शी हैज शोन टाइगर्स हियर इन द पॉइंट, जितना कि इन्होंने टाइगर्स को फ्री दिखाया, वास्तव में ये फ्री नहीं है। और दे पे सिंसलीक शिवावरिक सटानिटी, ये जो टाइगर्स हैं कितना स्मूथ इन्होंने दिखाई है, कितना शिवावरिक तरीके से जो हम मूव करते हैं। बट हियर इज एब्सोल्युटली कंट्रास्ट। तो सी हियर बेटे, ब्राइट टोपाज ये आपका क्या है, मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, कंपेरिजन। जब कंपेरिजन डायरेक्ट की जाती है, सिमिली होता है जब हम एस या लाइक वर्ड यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए, डैट इज कॉल्ड सिमिली। दीज आर फिगर ऑफ स्पीसीज, मेटाफर एंड सिमिली। एक राइम स्कीम भी आपकी आती है, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। सी हियर नेक्स्ट स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आईवरी नीडल हार्ड टू पुल। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. See, बेटे, Aunt Jennifer's की fingers जो हैं वो क्या कर रही हैं, fluttering कर रही हैं। Fluttering means quivering, quivering means shaking, हिल रही हैं। कैसे हिल रही हैं, through her wool, जो वो wool से अपने hand को गुजारती हैं। और wool में क्या कर रही हैं वो, फाइंड इवन द आईवरी नीडल हार्ड टू पुल। आईवरी नीडल एलिफेंट के टीथ से बनी हुई नीडल, उसको हम आईवरी नीडल कहते हैं, सुई जो बनती है आईवरी से, हाथी दांत से। तो ये हार्ड टू पुल बहुत मुश्किल लग रही है, किसको, आंट जेनिफर को। मीन्स आंट जेनिफर इज राइट नाउ अनएबल टू पुल दिस आईवरी नीडल थ्रू वूल, वूल से ये उसको पुल नहीं कर पा रही हैं। The massive weight, massive means heavy weight of uncle's wedding band, uncle के wedding band का sits, वो है अभी भी heavily, बहुत heavy, कहाँ, aunt Jennifer's hand, aunt Jennifer के hand पे। तो यहाँ क्या है बेटा इन lines में, कि aunt Jennifer must have made uncle's wedding band and that massive, that heavy weight she still feels on her hands, वो आज भी अपने हाथों पे महसूस करती हैं उस भारी वेट को। तो बेटी यहाँ क्या दिखाया गया है इन लाइन्स में, कि आंट जेनिफर इज नॉट हैप्पी इन हिज मैरिड लाइफ, वो हैप्पी नहीं है। यदि वो हैप्पी होते बेटे, उनका बॉन्ड जो वो स्ट्रॉन्ग होता, तो यहाँ पर ये मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो ये इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स जो वो यूज़ नहीं किए जाते, नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं होता। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और अपने रिलेशंस में, तो हम हैप्पीली करते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बर्डन, उसको बर्डन कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या पॉइंट ये शो कर रही है, कि वो आंट जेनिफर ने जो वेडिंग बैंड बनाया, बैंड जो बनाया, वो भले ही हैप्पीली बनाया, बट दैट अपियर्ड लेटर ऑन क्वाइट बर्डनसम, हैवी, वो बहुत बर्डन हो गया। मीन्स देयर लाइफ बिकेम ड्रसरी, देयर मैरिड लाइफ बिकेम हैलिक, और वो उस तरीके की लाइफ जो है एश हैज एक्सपेक्टेड वॉजंट देयर, वो उस तरीके की लाइफ जो है नहीं रही उनकी। वेल सी फर्दर, व्हेन आंटीज डैड हर टेरिफाइंड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंक्ड विद ऑर्डर शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड will go on prancing proud and unafraid. When aunt is dead, means throughout the life, when aunt was alive, she was not able to enjoy that free life. जब वो जिंदा थी तो वो अपनी उस लाइफ को enjoy नहीं कर पाई. But when aunt will be no more in this world,
means when aunties died, her terrified hands, terrified, full of fear, also hands the aunt Jennifer ke, will still go on echoing with ordeals. Ordeals hota hai bete hardships, वो लाइफ की हार्डशिप प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टिल रिंग, वो अभी वहाँ इको करते रहेंगे. कहाँ? ये स्क्रीन पैनल जो ये उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है स्क्रीन के ऊपर, उनकी आर्ट के थ्रू वो सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे. शी वॉज मास्टर्ड बाय, देर वॉज अ टाइम वेन शी वॉज मास्टर ऑफ दीज थिंग्स. अब कभी ज़माना था कि आंट जेनिफर भी मास्टर थी इन चीज़ों की, एम्ब्रॉयडरी की. बट at this time it might be that her husband may not like her hobby. ye ho sakta hai ki unke husband jo hai is hobby ko wo pasand na karte ho, aur ab unki life mein jo hai siway kya ordeals ke, yani ki pareshaniyon ke, problems ke, jo hai wo kuch nahi tha. ye cheeze jo hai wo baad mein bhi log, people will talk about, baad mein bhi baatein karenge. well, the tigers in the panel that she made, but the tiger which are made by him in the panel, made by her in the panel, will go on prancing, they will just go on jumping, they will enjoy their fresh spirit, and they will feel themselves proud, and they will remain unafraid. yani ki wo unafraid rahenge, wo enjoy karenge apni life ko, bhale hi aunt Jennifer jo hai wo apni life ko jo hai wo vastav mein enjoy nahi kar payenge, lekin unhone apni art mein, अपनी कला से एक स्पिरिट, एक फ्री स्पिरिट को जो है वो प्रेजेंट किया है. उससे और बहुत सारी वीमेन को क्या मिलेगी, एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मिलेगी, वो इंस्पायर होंगे. और ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमन ग्राउंड पे क्या होगा, एक इक्वालिटी जो है वो आएगी. इस तरीके के पीसेस ऑफ राइटिंग्स जब भी लिखी गई हैं बेटे, तो वो सोसाइटी में एक चेंज लेके आती हैं. तो ये पोइम भी जो है, या और इनकी राइटिंग्स जो हैं, या और राइटर्स की राइटिंग और पोइट्स की राइटिंग, जो किसी भी तरीके का इनजस्टिस, इनइक्वालिटी या इनडिस्क्रिमिनेशन के किसी भी तरीके का रहा है हमारी सोसाइटी में, तो लिटरेचर ने बहुत अहम रोल वहाँ पे प्ले किया है. तो ये पोइम भी एक उसी तरीके का पीस है. तो होपफुली आप लोगों को ये पोइम जो है वो क्लियर है बेटे. यू मस्ट हैव इंजॉयड इट एंड यू मस्ट हैव गॉट द मैसेज बिहाइंड दिस पोइम. वेल गाइस, आप बच्चे, यंग बच्चे हैं, खैर उतना आप चेंज आ चुका है बेटे कि अब इक्वालिटी है. फिर भी आप बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को बहुत सीरियसली लें. आप हर लेवल पे वीमेंस को इक्वल राइट दें, यानी कि उनको इक्वल डिग्निटी के साथ उनके साथ ट्रीट करें, और बहुत ऐसे ही समझें जैसे आप अपने आप को समझते हैं. कभी भी किसी भी लेवल पर आपके सराउंडिंग में चाहे कोई भी गर्ल है, वुमेन है, आप उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दें बेटे, ताकि एक बहुत ही अच्छी और हार्मनी से फुल जो है हमारी सोसाइटी जो हुआ रहे. वेल गाइस, हैव अ नाइस टाइम बेटे. गो ऑन एंजॉयिंग योर स्टडीज़. पढ़िए, मन लगा के पढ़िए. यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स.